हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिबाना के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये एनिवर्सरी आने वाली है और आप सब लोगों ने कमेंट्स किया कि मुझे ये सब करना चाहिए, मैं वो करने जा रही हूँ। घर वालों को इन्वाइट कर लिया है मैंने, देखते हैं वो लोग आते हैं या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आ जाए सब लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा ना। शॉपिंग स्टार्ट करते हैं थोड़ी बहुत अम्मी के लिए। अम्मी को एक सूट दिलाना है तो मैं अम्मी को लेके जा रही हूँ, क्योंकि सूट अम्मी अपनी पसंद का ले लेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अम्मी वही पहनेगी एनिवर्सरी पे। सूट दिलाने के लिए ले जा रही हूँ अम्मी को अभी चांदनी चौक। अम्मी को मैंने ये नहीं कहा कि सूट लेना है, अम्मी को वहाँ जाकर ही कहूँगी कि अम्मी को इस सूट सेलेक्ट कर लो आप अपने लिए और ले लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं वहाँ पर मार्केट में। और इसे भी संभालना है, इस चश्मे को। ये चश्मा भी आ गया है मेरा न्यू बन के, तो काफी पावर तेज हो गई है इसको चश्मे को लगा के, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि साफ दिखाई दे रहा है। और ये चश्मा मुझे 24 आवर्स लगाना है, मतलब जब सोना है तभी उतारना है, वैसे नहीं उतारना, वो ये लगा कर रखना है मुझसे। मैं तो संभलती नहीं हूँ, चश्मा कैसे संभलेगा पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। तो चले उठो उठो बाबा। अम्मी रेडी हो गई है, अम्मी ने आज ये सूट पहना है तो माशाल्लाह अच्छी लग रही है। अम्मी पापा भी आजकल ना कुछ जीन्स वगैरह पहनने लगे हैं, पापा भी काफी अच्छे लगते हैं। चलो पापा उठ जाओ जल्दी से, चलो। मेरे बैलून्स अभी तक लगे हुए हैं, पक्के कान में बाल आ रहे हैं भाई, कान में बाल आ रहे हैं, अरे यहाँ पर भी आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, तो बाहर फ्रेंड्स पसीने से ना चश्मा बार बार ना ऐसे नीचे 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 खिसक रहा है। अम्मी कह रही है कि मेरी नाक नहीं है बाबा, ये स्लिप हो गई, यहाँ आ जा रहा है, फिर से यूं करना पड़ता है बार बार। और हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स कबूतर आते हैं घर में, तो अम्मी उनके लिए खाना ले रही है, तो सारा मिक्स करवा के अम्मी ने उनके लिए खाना ले लिया है। और अम्मी को दिलाने के लिए ले गए सूट, लेकिन अम्मी को कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि न्यू फैशन नहीं था, ओल्ड फैशन लग रहा था, तो अम्मी को कुछ पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हम लोगों को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोगों ने छोले कुलचे लिए और वो खाए। उसके बाद फिर हम लोगों को एक सूट फाइनली पसंद आ गया था, तो उसकी मैच की चूड़ियाँ लेने के लिए जा रहे हैं हम। और ये देखें यहाँ पर बल्ली मरान है, और यहाँ पर फ्रेंड्स कोल्हापुरी चप्पल जूते सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और फाइनली हम लोग पहुँच गए चूड़ी की शॉप में, तो यहाँ पर चूड़ी का जो कलेक्शन था बहुत ही अच्छा था, हर तरह की चूड़ी हर तरह का सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर मैचिंग का, तो बहुत अच्छा लिया। और मम्मी के लिए भी अच्छी सी चूड़ियाँ हमने सेलेक्ट कर ली हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक ठीक लगा लो कहना मना है। और हम लोग फ्रेंड्स दोपहर के निकले हुए, हमें हो गई रात, और फिर हम वापस जा रहे थे, जाते जाते हम लोगों ने कुल्फी खाई, गर्मी और कुल्फी, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और फिर रास्ते में हम लोगों को इतना ट्रैफिक मिला कि गर्मी में खड़े खड़े हम लोगों की हालत खराब हो गई ऑटो में बैठे बैठे। तैया ने काट लिया मुस्कान को, हम लोग घर में आए, रोती हुई आई है बाहर, तैया ने काट लिया। कल ना हमारे फ्रेंड का बर्थडे, बचपन का दोस्त है ना हमारा, फैमिली मेंबर है, तो हम लोग ना थोड़ा सा प्लान करके उसे ना चलेंगे उसके घर पे, थोड़ा सरप्राइज देंगे उसे, है ना। अभी हम लोग मम्मी का सूट लेके आ गए और जा रहे दिखाने के लिए, मम्मी को लग रहा है कि वो आएगा नहीं साइड से। चल ही बचा तू, अच्छी लग रही बहुत। आज मैंने ये पहना था चप्पल उतार दी है, घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। Oh my God. नमस्ते आंटी, हमारी मास्टर आंटी है, इनसे हम बचपन से सूट सिलवाते आ रहे हैं। सबको पता ही होगा इधर। हाँ सर, तो सबको पता होगा, बाकी जो नहीं सिलवाते वो भी आ जाना। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग घर पे, सूट डाल के अम्मी का, अब वो मिल जाएगा हम लोगों को जल्दी ही, तो अम्मी पहनेगी 2 तारीख को, तो वेट करिए व्लॉग्स का, क्योंकि अच्छे होने वाले हैं आगे। बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी तक खाना भी नहीं बना है हमारा डिनर। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और हम लोग छील रहे हैं यहाँ पर करेले मुस्कान और मैं मिलकर। फ्रेंड्स कल हम लोग बनाएंगे ये चश्मा, कल हम लोग बनाएंगे करेले, बहुत दिनों से करेले खाने का दिल कर रहा था तो अम्मी का, तो अम्मी करेले बनाएगी कल, तो हम वही छील के नमक लगा के इसे रख देंगे ताकि कड़वापन जो है इसका निकल जाए। सारे करेले हम लोगों ने छील लिए, अब इसको काटना है। और डिनर में अम्मी बना रही है चिकन। गाइस हिबा के लिए चॉकलेट लेके आई हूं, हिबा फॉर योर 50K। मैं तो डाइट में चिकन खाई दिखाने के लिए। उल्लू लग रही है बिल्कुल। गजब बेइज्जती, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रही है, फल बैग वो पैदा ही क्यूट लाभ दे दे, बस हो गया इतनी।
कैसी है चॉकलेट? अच्छी है। अच्छी है ना, मैंने बनाई है। फ्रोज के लिए दे दिया, फ्रोज नहाने के लिए गया फ्रेंड, बस मुस्कान। डिनर में बना था चिकन चावल, तो हम सब लोग बैठ कर फिर इकट्ठा डिनर कर रहे हैं। कर पाया नहीं आज तुमने? अरे यार एक बार मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड्स यहाँ पे डेकोरेशन थोड़ी सी चल रही है, बस थोड़ा सा डेकोरेट कर रही है। मुस्कान ने फुग्गे बना दिए हैं। हाँ जी यार, वो देखो टेढ़ा करके लेके आया। ओ देखा, ये हटेगी ना? हाँ ये हैप्पी बर्थडे चॉकलेट हमेशा खाते हैं। 1 2 3 हुकमा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शाहिद, हैप्पी बर्थडे टू यू। झपक के लपक क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां। और फिर शायद ने ट्रीट दी थी तो उसने मंगाया था पिज्जा, हम सब लोगों ने पिज्जा खाया। और नेक्स्ट डे देखिए कितना अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैं मौसम के मजे ले रही हूँ, यहाँ पर हवा खा रही हूँ ठंडी ठंडी, बहुत मजा आ रहा था बाहर ग्रिल पे। हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अब मैं जा रही हूँ अब्दुल्ला के साथ सबको इनविटेशन देने के लिए, कि घर घर जा रही हूँ पर्सनली सबको इनविटेशन देने। तो चलिए फिर, ज्योति दी के यहाँ तो ताला लगा हुआ है, सीमा दी के यहाँ होगी। मेरे पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, मेरी जबान है। ओके नाइस, हम आपका इनविटेशन को ग्रैंड करते हैं, ठीक है? हाँ ग्रैंड में एक्सेप्ट है। अरे वो वाला ग्रैंड नहीं, हिंदी समझाओ यार इसको कोई। ये हैं प्रियंका दी, हेलो, और ये आनंद हमारे फ्रेंड, और ये इनकी सिस्टर है। Nice to meet you guys. और फिर मैं गई अपनी फ्रेंड के घर, तो उसने इतना सारा खातिरदारी कर दी और करेले भी हम लोगों के बन के तैयार हो गए। गुठली देखो ये फ्रेंड्स कैसे खा रही है, आमी की वो भी करेले में डाली थी अम्मी ने, आमी तो उसमें ये गुठली थी, तो देखो इसे ले। फ्रेंड्स अम्मी का भी चश्मा आ गया नया बन के, दिख रहा है क्लियर? वालेकुम अस्सलाम। ओ बाबा मुस्कान, चलिए फ्रेंड इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड, कल से न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे, हल्दी मेहंदी फंक्शन इनविटेशन सबको चले गए हैं, और सब थोड़ा सा सीरियस वाला काम करना है, सीरियस वाले काम करने हैं अब। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग्स में अच्छे से। तो चलिए फिर, तो चलिए फिर, कितना बोलती हूँ ना मैं हर बात में, तो चलिए फिर, तो चलिए फिर, तो चलिए फिर, टैग लाइन हो गई मेरी। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसी लगती है, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, तो आप लोग देख लो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।